टीवी के पॉपुलर एक्टर विवियन डिसेना को लेकर अब ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर सभी हैरान रह जाएंगे। एक्टर की पर्सनल लाइफ में क्या कुछ हो गया और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। मधुबाला, प्यार की एक कहानी और शक्ति जैसे सुपरहिट शोज का हिस्सा रहे एक्टर विवियन डिसेना अपनी पर्सनल लाइफ को काफी प्राइवेट रखते हैं। शायद इसीलिए अभी तक उनकी दूसरी शादी की खबर ना तो मीडिया तक पहुंची और ना ही फैंस को इसकी भनक पड़ी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, विवियन डिसेना की दूसरी शादी। दरअसल अब खबर आई है कि एक्टर ने चोरी छुपे दूसरी शादी कर ली है और तो और उनकी सीक्रेट वेडिंग को एक साल बीत चुका है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर वो लड़की है कौन जिसके साथ एक्टर ने दूसरी बार अपना घर बसाया है। तो आपको बता दें, विवियन लंबे समय से एक इजिप्शियन पत्रकार को डेट कर रहे थे। उस लड़की का नाम नॉरन अली है और इन दोनों की मुलाकात 4 साल पहले हुई थी और अब खबर आई है कि विवियन ने नॉरन से सीक्रेटली शादी भी कर ली है। इतना ही नहीं, अब दोनों 1 साल से साथ रह रहे हैं लेकिन अभी तक इन्होंने अपनी शादी को छुपा कर रखा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक बेहद निजी फंक्शन में विवियन और नॉरन की शादी हुई है। दोनों 1 साल से मुंबई के लोखंडवाला में एक अपार्टमेंट में रहते हैं। वही जब विवियन से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और कहा, प्लीज मेरे पीआर से कांटेक्ट करिए। आपको बता दें, विवियन ने हाल ही में इशारा किया था कि वो अपनी शादी को सीक्रेट रखेंगे। 2022 में दिए एक इंटरव्यू में एक्टर ने कहा था, भले ही मैं शादी कर लूं लेकिन पॉसिबल है कि मैं इसके बारे में कम ही लोगों को बताऊंगा। शादी एक पर्सनल अफेयर है और उसे ऐसे ही रहना चाहिए। मैं सोशल मीडिया पर कभी भी इसका ऐलान नहीं कर सकता।